गेम खेल के सीन जमाओ, फोकट में मत खेलो, पैसे कमाओ। विराट और सचिन द बेटर बैट्समैन। विराट जाके देख रिकॉर्ड में कौन है, इंसान है कि भगवान। तो कोका भाई कैसे हो यार? तो भाई लोग आज हम बात करने वाले हैं हार्दिक पांड्या, केएल राहुल और हमारे मिठे भाई के बारे में। माय फैमिली आई हैव बीन लाइक ओपन अबाउट एवरीथिंग। आप सार्वजनिक सीमाएं मर्यादाएं तोड़ रहे हो। तो देखो यार, आज का वीडियो थोड़ा सा सीरियस होगा, तो प्लीज वीडियो को पूरा देखना और सोचने और समझने की कोशिश करना कि मैंने बोला क्या है। So, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हार्दिक पांड्या, केएल राहुल कॉफी विद मंजुल कॉफी विद करण के शो में गए थे और वहां पे जाके इन्होंने बहुत ही प्यारे प्यारे स्टेटमेंट दिए थे जिनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। हाउ दे मूव, या हाउ दे चल, इज दैट इंपॉर्टेंट टू यू? तो यार जैसा कि भाई लोग आप लोगों को मालूम है कि मैं फेमिनिज्म पे बहुत सारी वीडियोस बनाता हूँ और हमेशा इक्वलिटी की बात करता रहता हूँ। तो यार मेरा कर्तव्य और मेरा फर्ज बनता था कि इक्वलिटी के ऊपर एक वीडियो और बनती है। तो यार देखो, अगर तुम लोग को इक्वलिटी का मतलब नहीं मालूम तो मैं ऑलरेडी 3 वीडियो बना चुका हूँ, तुम जाकर उनको देख सकते हो और समझ सकते हो कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। तो भाई कमलेश के बड़े भाई हार्दिक पांड्या और केएल राहुल ने हमारे करण जौहर यानी कि दीपक कलाल के स्मार्ट वर्जन के शो में जाके बहुत ही प्यारे प्यारे स्टेटमेंट दिए थे। उन्हीं बयानों पे खुल के चर्चा करते हुए आज की वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। तो आओ ना यार, अब बिना समय गवाए शुरू करते हैं अपना काम। जय श्री राम। को चला छोटे सोच थोड़ा अलग से उतारा मैंने 10 रुपए का वड़ा पाव, ऐसे दिन देखे हैं मैंने तब जाके बड़ा भाव मेरा। जैसा कि आप लोग जानते हैं, कमलेश के बड़े भाई यानी कि हार्दिक भाई का विवादों से बहुत पुराना नाता रहा है। कभी वो रिलीजन पे कमेंट कर देते हैं और कभी कास्ट के ऊपर, लेकिन इस बार भाई ने 4 कदम ज्यादा पैर बढ़ा दिया। सबसे पहले तो इन्होंने 2 लीजेंडरी क्रिकेटर को आपस में कंपेयर कर दिया, विराट और सचिन द बेटर बैट्समैन। विराट यार देखो, सीरियसली आई रिस्पेक्ट बोथ ऑफ क्रिकेटर्स, और देखो सचिन सर और विराट भाई का कंपैरिजन हो ही नहीं सकता क्योंकि सब जानते हैं सचिन सर का मास्टर ब्लास्टर हमारे देश के एक लीजेंडरी क्रिकेटर रह चुके हैं और अभी भी हैं, और विराट भाई हमारे इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन हैं। तो यार देखो, दोनों की स्किल्स अलग है, दोनों की परफॉर्मेंस अलग है और दोनों अपनी अपनी जगह पे बेस्ट हैं। अब देखो यार, ये मीठा बालक तो है एड़ा, अगर इसने कंपेयर किया तो कोई बात ही नहीं बनती, इसकी बातों पर कोई ध्यान भी नहीं दे रहा। लेकिन तुम तो भाई टीम के मेंबर हो ना यार, अपनी अकल को अपने बालों के साथ कटवा के आए थे क्या? नहीं भाई, पब्लिक अच्छे से समझ रही है कि तुमको टीम में रहना, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कुछ भी बोलोगे। विराट और सचिन द बेटर बैट्समैन। विराट और पांड्या जी, ऐसा स्टेटमेंट देने के बाद क्या सोचा आपने? क्या समझ कर आए थे के सरदार बहुत खुश होगा, शाबाशी देगा क्यों? लेकिन हो उल्टा गया, भाई ने मोहल्ला बचाते बचाते शहर ही जला दिया। फ्रॉम द इंटरक्रिकेट टीम पॉइंट ऑफ व्यू, एनी इनअप्रोप्रिएट कमेंट्स दैट आर मेड इन दैट सिनेरियो आर समथिंग दैट वी डेफिनेटली डोंट सपोर्ट, एंड द टू कंसर्नड प्लेयर्स हैव फेल्ट व्हाट हैज गॉन रॉन्ग एंड दे हैव अंडरस्टूड द मैग्नीट्यूड ऑफ व्हाट्स हैपेंड। एंड अब बात आती है, लगातार 0 पे बोल्ड हो रहा है हमारे भाई केएल राहुल की, मतलब क्रीज पे बोल्ड होने का पागलपन भाई के सर पे इतना ज्यादा चढ़ गया कि भाई कुछ भी बोल गए। टू बी डिस्ट्रैक्टेड बाय चीयरलीडर्स ड्यूरिंग अ मैच, यू आर नॉट गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड एट ऑल। इट्स बीन विद ऑल ऑफ देम, नो डिस्ट्रैक्शन एनीमोर। कॉपी पेस्टेड द सेम फ्लर्टी टेक्स्ट टू मल्टीपल वुमेन, आई हैव गॉटन दोस स्क्रीनशॉट्स फ्रॉम 2 डिफरेंट पीपल सेइंग दैट ही टेल हिम टू एटलीस्ट सेंड अ डिफरेंट मैसेजेस, कॉपी पेस्ट एंड सेंड इट सेम फील फॉर देम। नहीं वाकई में अगर सचिन सर इन दोनों के स्टेटमेंट देखेंगे ना तो उनका एक ही रिएक्शन होगा। व्हाट वुड यू लाइक टू टेल दीस यंग बॉयज इन कंक्लूजन? उत्तर प्रदेश सरकार, भारत सरकार ने हमको रोक रखा है, शासन प्रशासन की इज्जत करते हैं, प्रशासन की इज्जत करते हैं, नहीं तुम्हारी माँ। नहीं वाकई में मानना पड़ेगा, दीपक कलाल का स्मार्ट वर्जन इन दोनों के करियर के साथ गेम खेल गया, लेकिन तुम लोगों को ऐसा गेम खेलने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं तुमको बहुत अच्छे गेम के बारे में बताने वाला हूँ। तो यार मार्केट में एक बहुत ही धमाकेदार ऐप आई है जिसका नाम है MPL। अब इस ऐप की खासियत ये है कि इस ऐप में आप गेम खेल के पैसा जीत सकते हैं, वो भी 1 लाख रुपए तक, मतलब इस ऐप में आप अपने फेवरेट गेम के टूर्नामेंट में पार्ट लेके 1 लाख रुपए जीत सकते हैं। एंड वन मोर थिंग, इस ऐप में एक खासियत और है कि इसमें आप गेम चैटिंग भी कर सकते हैं, मतलब गेम भी खेलो अपने दोस्तों से बात भी करो, क्या तो मजा आएगा ना। और साथ ही साथ अगर तुम इस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करके खेलोगे ना तो और ज्यादा पैसा छापोगे। अब देखो भाई, इस मीठे ने तो इन दोनों के करियर की लगा दी, लेकिन मैं तुम लोगों का करियर बनाने की सोच रहा हूँ। तो यार पहले फुर्सत में जाओ, डिस्क्रिप्शन में तुम्हें लिंक मिलेगी, जाकर ऐप को फटफट डाउनलोड कर लो। और देखो अकेले का भला मत करना, मतलब ही बनोगे ना तो कभी कुछ नहीं कर पाओगे, अपने दोस्तों को भी बांटना, खुद भी खेलना, फैमिली में ही बांटना। तो भाई फटफट जाके ऐप को डाउनलोड करो, गेम खेलो और अपने जीते हुए पैसों को पेटीएम में या बैंक अकाउंट में विदड्रॉ करो। अब देखो यार, मेरा हार्दिक पांड्या, केएल राहुल और मीठा भाई से सिर्फ एक ही सवाल है, क्या ऐसे सवाल जरूरी थे जिससे किसी की सेंटीमेंट्स हर्ट हो? जैसे हम लोग इन लड़कियों की बातों से हर्ट होते हैं, वैसे भी लड़कियां हैं तो आखिर इंसान ही ना, तुम एक जेंडर को एक ऑब्जेक्ट की तरह देखोगे तो कैसे चलेगा यार? वैसे अगर बात की जाए तो आप दोनों, अबे तूने, ठीक है, आप दोनों इंडियन क्रिकेट टीम के बेस्ट प्लेयर्स हैं और साथ ही साथ इंडियन यूथ के आइकॉन भी हैं, आपको करोड़ों लोग फॉलो करते हैं, आपकी बातों को मानते हैं। अगर आप अपनी यूथ को ऐसे डायरेक्शन में भेजोगे जहां आप ये कहते हो कि लड़कियां एक ऑब्जेक्ट होती हैं, तो ये सिर्फ आपका स्टेटमेंट नहीं रहेगा, लाखों लोगों की राय बन जाएगा। इक्वलिटी का
मतलब समझते हो भाई, अगर लड़के इंसान है तो लड़कियां भी इंसान है, और मैं जानता हूँ कि आपकी फैमिली ओपन माइंडेड होगी। माय फैमिली आई हैव बीन लाइक ओपन अबाउट एवरीथिंग व्हेन आई लॉस्ट। लेकिन आप दोनों की स्टेटमेंट एक सोसाइटी यानी कि इंडिया को अच्छा रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। हमारे देश में बात इक्वलिटी की जाती है तो इक्वल रहो ना यार। और ये सारा का सारा कांड हुआ 377 के कारण, क्यों ड्रामा करवा दिया तूने मेरा भाई? नहीं यार, देश को बचाने के लिए हम और आपको आगे आना पड़ेगा, और सबसे पहले तो इन इंटरव्यूज को बंद करवाना पड़ेगा। वहाँ इस भाई ने इंटरव्यू लिया और 6 डिस आ गए, और यहाँ इस भाई ने इंटरव्यू लिया और इन दोनों का कैरियर खत्म कर दिया। नहीं, मैं सबको यही मैसेज देना चाहूंगा कि इंटरव्यू देने से अच्छा है घर पे बैठ लो, चाय पी लो, पापे खा लो और MPL ऐप को डाउनलोड करके पैसे कमा लो। यार मेरे भाई लोग, आप तुम मुझे कमेंट करके बताओ क्या तुम चाहते हो कि मैं हार्दिक पांड्या, KL राहुल और इस मीठे भाई का परफेक्ट रोस्ट चला के दूं, और थोड़ा सा सीरियस वे में ला के दूं जैसे मैं फेमिनिज्म पे वीडियो बनाता हूं। तो कमेंट करो और बताओ, बहुत ही प्यारा 10 मिनट से ऊपर का वीडियो बना के दोनों को एक्सपोज मारते हुए रोस्ट मारूंगा और लॉजिकल पॉइंट्स के साथ रोस्ट करूंगा। तो यार ठीक है, आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं, और मैं किसी को भी गलत नहीं बोलना चाह रहा था, लेकिन इन दोनों के स्टेटमेंट मुझे अच्छे नहीं लगे इसलिए मैंने अपना ओपिनियन दिया है। और बाकी हो सकता है कि तुम लोगों का ओपिनियन अलग हो, लेकिन मेरा ओपिनियन अलग है यार, क्योंकि लिटरली मैं 4 वीडियो बना चुका हूं फेमिनिज्म के ऊपर और उसमें बात कर चुका हूं इक्वलिटी की। तो यार मेरा फर्ज बनता था कि इस बार मैं लड़कियों का सपोर्ट करूं। तो ठीक है माय YouTube फैमिली, आज का वीडियो यहीं पे खत्म करता हूं। तुम लोग वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, इस चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और हाँ अगर तुम मुझसे Instagram और Facebook पर जुड़ना चाहते हो तो लिंक इन माय डिस्क्रिप्शन आकर मुझे फॉलो कर सकते हो। तो ठीक है माय YouTube फैमिली, आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। खुश रहिए, हंसते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं हूं आपका अपना सम्राट। सुनना है मामा बल्ला मुरना चाचा है शिकारी, हर गली मोहल्ले में बड़ फैली अपनी यारी, पटिए पे समझी है ये दुनियादारी, इसलिए बात अपनी है बहुत भारी, चाय की होटल और बैठक के शौक, इसी से नुकीली है बेटा सोच की नोक, तालाबों के किनारे और कोई ना।